तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जियो ने अपना एक और नया कीपैड फोन लॉन्च कर दिया है, जिस कीपैड फोन का इन्होंने नाम रखा है जियो भारत B1। इससे पहले जो जियो ने यहाँ पर अपने कीपैड फोन लॉन्च किए वो थे जियो भारत B2 और जियो भारत K1 कार्बन। तो आप लोगों ने इन दोनों के बारे में तो सुना होगा, इनके ऊपर मैंने डेडिकेटेड वीडियो बना दिया था अनबॉक्सिंग से लेकर रिव्यू तक। तो दोस्तों, अब बिना बताए जियो ने अपना यहाँ पर जियो भारत B1 फोन लॉन्च कर दिया है। इन दोनों फोन से जियो B1 भारत काफी अच्छा है। इसमें क्या क्या आपको फीचर्स मिलेंगे, इसमें आप लोग YouTube WhatsApp चला पाओगे या नहीं, इस फोन के रिचार्ज प्लान कौन से रहने वाले हैं, तो सभी बातें मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो को अंत तक देखना, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना। चलिए शुरू करते हैं। तो देखो, जियो अपनी एक सीरीज ला रहा है, जैसे कि जियो भारत B2, जियो भारत K1 कार्बन और अब आया है दोस्तों जियो भारत B1। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले इसके फीचर्स के बारे में। देखो, ये आप लोगों को 4G कनेक्टिविटी के साथ मिलेगा, यानी दोस्तों ये 4G कीपैड फोन है। इसमें आप लोगों को बैटरी की बात करें तो आप लोगों को 2000 mAh की बैटरी मिल जाएगी। वहीं हम इसके डिस्प्ले की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर जो जियो भारत B2 फोन है उससे काफी बड़ी डिस्प्ले है इसकी, जो कि यहाँ पर 2.4 इंच की। इसमें आप लोगों को 580 MB की रैम मिलेगी। इसमें आप लोग यहाँ पर 128 GB तक मेमोरी कार्ड यूज कर सकते हो। वहीं हम बात करें, इसमें आप लोग सिर्फ एक जियो का सिम कार्ड यूज कर सकते हो। इसमें आप लोगों को माइक्रो केबल के साथ एक चार्जर भी मिल जाएगा। इसमें आप लोगों को USB ब्लूटूथ वाईफाई का सपोर्ट भी मिल जाएगा। आप लोगों को इसमें हॉट सपोर्ट नहीं मिलेगा। अब आपको मैं बताना चाहूंगा, अब देखो जैसे यहाँ पर जियो भारत B2 फोन में फीचर थे वैसे आप लोगों को जियो भारत B1 में मिलेंगे, मगर हाँ, इसकी यहाँ पर जो यहाँ पर डिस्प्ले है वो बड़ी कर दी गई है, और जो यहाँ पर बैक में आप लोगों को कैमरा मिलेगा वो 0.3 एम्पीयर का मिल जाएगा। अब हम दोस्तों इसकी प्राइस की बात करें तो आप लोगों को ये मिलेगा 1299 रुपए का, मतलब 1300 रुपए का। अब हम मेन मुद्दे पे आते हैं, क्या आप लोग इसमें यूट्यूब व्हाट्सएप इस्तेमाल कर पाओगे कि नहीं। तो देखो, इसमें आप लोग यूट्यूब व्हाट्सएप इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। जैसे आप लोग जियो भारत B2 फोन में जियो सिनेमा जियो पे का इस्तेमाल कर पाते थे, वैसे ही आप लोग इस फोन में भी वही फीचर्स आपको मिल जाएंगे। रिचार्ज प्लान की बात करें तो आप लोग रिचार्ज प्लान जो जियो भारत B2 फोन में करते थे वही रिचार्ज प्लान आप लोग इसमें भी कर पाओगे। तो वैसे देखा जाए जियो भारत B2 फोन से जियो भारत B1 काफी अच्छा है, चाहे उसको लुक्स को लेकर या आप लोग उसकी स्क्रीन देखोगे तो काफी अच्छा है फोन। चलिए, वैसे आप लोग अपनी राय कमेंट में बताना, आप लोगों को ये फोन कैसा लगा। आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिएगा। बाय बाय।